अब अगले बल्लेबाज आ रहे हैं हमारे गांव के सरपंच श्री रामवीर सिंह जी, जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, साथ में गेंदबाजी यानी ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं। निश्चित रूप से कुछ अच्छी इनिंग खेलनी होगी यदि इस मैच में अपनी टीम को विजय दिलानी होगी। तो निश्चित रूप से काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। निश्चित रूप से 127 रनों की जो लक्ष्य है प्राप्त की जा सकती है। तो अगली गेंद गीता प्रसाद की, सामना करेंगे रामवीर सिंह जी। मिस होती हुई पैट पर जाकर लगी और कोई रन लेने का मौका नहीं, तो काफी अच्छी शुरुआत। तो विजय मनोहर की, सामना करेंगे रामवीर सिंह जी। यदि इस मैच में कुछ जान डालनी हो तो निश्चित रूप से विकेट ही लेने होंगे। काफी अच्छी बैटिंग शैलेश और रामवीर के द्वारा, काफी जिस तरह से मैच चलता हुआ 10 ओवर पर, मुझे नहीं लगता है कि चल जाएगी। सिफारिश होती हुई जिस तरह से शुरुआत हुई थी डैम डीलर की गेंदबाजी, उससे कहीं ज्यादा बेहतर बल्ले हो पाया। इसी बीच कहा नहीं जा सकता और आउट होकर अब पवेलियन की राह पर रामवीर सिंह। काफी अच्छी बल्लेबाजी की, एक महत्वपूर्ण इसको 39 रन का विशेष योगदान देकर पहुंचे हैं और मैं बल्लेबाज अभिनंदन करता हूं। यह मैच रात्रिकालीन प्रतियोगिता है, परंतु मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए यह डे नाइट के रूप में तब्दील हो चुका है और पहले बल्लेबाजी करते हुए डायमंड 11 की टीम ने 126 रन का स्कोर बनाया और सामने साथी टीम को 127 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया है। उसके जवाब में अभी में तिरासी रन बना चुकी है, उसके तीन महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं और यहाँ पे आधार की अच्छी गेंदबाजी लगातार डॉट पे डॉट किए जा रहे हैं अपने विपक्षी बल्लेबाज राजा को। हेलो, यहाँ ग्राम पोपोटरा में सबका हार्दिक स्वागत है। ये यहाँ जितने भी ग्रामवासी आए हैं मैच देखने, ये मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे डे नाइट मैच चल रहा था। कुछ दिन पहले ही रात्रि गश्त में आए थे तो देखे लाइट वगैरह चल रहा था, तो पता चला फिर धीरे धीरे अजीत कहाँ गए थे, क्या नाम है, अजीत नाम है ना, भागवत। तो फिर इसने बताया कि ऐसा ऐसा मैच है, तो मैंने भी बोला कि फाइनल मैच में मिलते हैं। तो आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सब में जोश बहुत भरा हुआ है। नाइट राइडर का आज दिन नहीं था, लेकिन तब भी काफ़ी अच्छा प्रयास है नीचे के बल्लेबाजों को और थोड़ा संयम से खेलना हो, ठीक है। बाकी डायमंड इलेवन सही में बहुत अच्छा है, टीम वर्क दिखा है, खासकर ये स्पिनर साहब अच्छा बॉल घुमाते हैं। बाकी दोनों कप्तानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने गेम की स्पिरिट ऑफ द गेम को बढ़ाया है। आगे अगले साल उम्मीद करूंगा ये गेम का स्तर और ऊपर उठे,
और बाकी मुझे थोड़ा और पहले बता दें तो हम लोग थाने की तरफ से भी कुछ और आयोजन कर सकते हैं, लेकिन अगले प्रभारी को जरूर बताइएगा ऐसा कोई। बहुत बहुत बधाई और अपने खेल की भावना को आगे अपने जीवन में भी रखिएगा कि कैसे एक टीम जीतती है, एक इंसान नहीं जीतता है, एक टीम जीतती है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ये सेकेंड टीम लाइन लाइन है। मैं चाहूंगा कि विजेता और उपविजेता टीम दोनों ही कदावर तरीके से एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। थाना लखनपुर से कृपया आप मंच पर मंचासीन हुए, साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से देवेंद्र सिंह जी, ज्ञान सिंह दिग्गा जी, श्री नारायण सिंह जी, आप सभी मंच पर मंचासीन हुए। आगे मैं मुख्य अतिथि महोदय जिलों का स्वागत कार्यक्रम कराना चाहता हूँ, कृपया आप मंचासीन हुए। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश राजवाड़े जी, करेंगे श्री सुशील शर्मा जी, शर्मा जी ग्राम पंचायत कुकुटा की ओर से स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत कुकुटा के सरपंच कृपया जिन अतिथियों का मैं नाम ले रहा हूँ कृपया जोरदार तालियों के साथ आपसे स्वागत करें। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा खेले, बहुत दिन के बाद हम लोग को भी क्रिकेट देखने के लिए मौका मिला, मौका ही नहीं मिलता था कहीं जाने के लिए ना खेलने के लिए, हमको भी बड़ा अच्छा लगा, हमको मन कर रहा है कि रोज़ हम लोग भी खेलें समय निकाल के। हम क्या बोले, आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, इसको प्रोफेशनल टाइप से भी खेल सकते हैं और जो है पढ़ने वाले उनके लिए तो और अच्छा है। और जैसे खेलते खेलते दौड़ने का भी अभ्यास रहता है, इधर उधर भर्ती वर्ती निकलते रहती है, आप लोग दौड़ और बढ़िया रखिए तो जाएगा और कुछ पढ़िए भी, बस मेरी तरफ से इतना ही है। बहुत 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 बधाई और आगे और लक्ष्य है, बहुत अच्छा खेल का मजा रहा हूँ यहाँ पास और सभी को धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री देवेंद्र सिंह जी और आगे सभी खिलाड़ियों के मार्गदर्शन प्रोत्साहन हेतु मैं लखनपुर से हमारे विशेष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थाना प्रभारी श्री रामेश्वर गुड़िया जी को आमंत्रित करूंगा कि आए और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री रामेश्वर गुड़िया जी, मार्गदर्शन दोबारा देना मुझे पसंद नहीं लेकिन ठीक है, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से ये कितने दिन तक चला ये? एक महीना बाप है। ये जो भी आयोजन करने वाली टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि शांतिपूर्वक थाने तक कोई कंप्लेन नहीं आया, इसीलिए मैं इसकी बधाई दूंगा, शांतिपूर्वक सब कुछ अच्छे से हुआ। आज फाइनल डे भी बहुत अच्छा लगा, मैं पूरे टाइम यहाँ रहा, मैं खुद भी कॉलेज डेज में अच्छा क्रिकेट खेल लेता था, अभी खैर मैं आउट हो गया, इसके लिए मुझे अच्छा लगा कि एक मतलब गांव के स्तर इस लेवल पे भी लोग खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा यहाँ लोकल अगर कुछ जिला लेवल पे कुछ हो तो आप लोग भी एक टीम बना करके उसमें एंट्री ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे मैं सोच रहा हूँ कि थाने क्षेत्र में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजन करने का, ठीक है, तो अगर यहाँ से कुछ लोग खेलना चाहेंगे या फिर खेलना पसंद करते हो तो एक टीम बनाए, प्रैक्टिस करें, खेलते हैं ना, ठीक है, तो अगले हफ्ते तक इंतज़ार करेंगे, मैं नोटिस भेजूंगा, ठीक है। हाँ चलित थाना आप लोगों का शेड्यूल में है, देखते हैं अभी बारिश की वजह से थोड़ा गड़बड़ा रहा था, ठीक है, वो मेरा जाने से पहले होगा। चलिए आपके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप दोबारा मार्गदर्शन किए, आपको पसंद नहीं लेकिन हम भी हठी स्वभाव के हैं, हमें बार बार मार्गदर्शन लेने की जरूरत पड़ती है। और रही बात क्रिकेट की तो हम ग्राम पंचायत स्तर पे भी क्रिकेट टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष कराते हैं, अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नाइटकालीन रात्रिकालीन प्रतियोगिता आयोजित की थी हमने, जो कि आनंद खान ने आप लोगों को निमंत्रित नहीं कर पाए, लेकिन आगे जब हम रखेंगे ग्राम पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट तो जरूर हमारा प्रयास रहेगा कि लखनपुर थाना समेत लगभग शासन प्रशासन के सभी स्तर को सूचित करने का प्रयास करें, प्लस जनप्रतिनिधियों को भी बुलाने का प्रयास करेंगे। सर आपके सुंदर शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अब अतिथि अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात अब समय है पुरस्कार वितरण का। आप आए और श्री देवेंद्र सिंह जी के यहाँ पर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। जोरदार ताली के साथ आपको स्वागत करते रहेंगे। शानदार 49 ग्रहण बनाया है मनोहर राजवाड़े ने और अपने टीम को आज मैच जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे शानदार तरीके का बैक पोजीशन लेते हुए शानदार कैच पकड़ा था, फर्स्ट विकेट लिया था इन्होंने कैच के रूप में। अब आगे में गरीब क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन और समाप्ति, उन्हें बहुत अच्छा अनुभव निश्चित रूप से इस प्रकार से अनुभव खिलाड़ी को मजबूत करेगा, अच्छा करेगा, प्रोत्साहन देगा। पुरस्कार ग्रहण करते हुए विजेता के टीम डायमंड 11 संजोने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के यूट्यूब चैनल में वीडियो डालते हैं परमार राजवाड़े जी, प्रकाश यूट्यूबर हमारे बीच में मौजूद हैं। शानदार यूट्यूब में डालते रहते हैं, कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी और देखिएगा। We'll be right back.